संभल में बीएसपी प्रत्याशी के चुनावी काफिले में एक बेकाबू ट्रक घुस गया और 3 लोगों को रौंद दिया। असमोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अकीलुर रहमान खां अपने समर्थकों के साथ रैली निकाल रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार एक ट्रक लोगों को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। गनीमत ये रही कि अकीलुर रहमान बाल बाल बच गए और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। इधर बीएसपी प्रत्याशी ने हादसे को साजिश बताया है। पांच या सात मिनट के अंदर एक ट्रक जो लोगों ने बताया कि पहले से खड़ा था वो उसने एकदम भीड़ पर चढ़ाया। वो ऐसा लगता था मेरे ऊपर अटैक करना चाहता था, कोई षड्यंत्र था ये, कोई साजिश थी किसी विरोधी की, और वो मुझ पर ऐसा लगता था कि कातिलाना हमला करेगा। मुझे लोगों ने चीफ पुकार, मुझे एकदम मुझे गर्द अपने कांधे से उतार के मुझे तो फेंका तो उसी तरह साइड में। इतनी देर में ट्रक ने चढ़ा दिया और उसमें 2-3 लोग इंजर्ड हो गए, 2-3 ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, 1-2 लोग कम इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इसी तेजी से भागा। इसी बीच वो खंभे से टकराया, भागने की कोशिश कर रहा था, 11,000 की लाइन थी या 1,32,000 की लाइन थी, उससे टकराया, चूरम चूर कर दिया खंभा, उसी खंभे के प्रेशर से वो रुका, फिर उसने बैक करा, फिर निकालने की कोशिश करी, दोबारा वो कामयाब हो गया, भीड़ बच चुकी थी, सीधा भाग पड़ा। प्रोग्राम चल रहा था समर्थक जो मुजफ्फरपुर में, और जो मंत्री जी के समर्थक थे मंत्री जी को कंधे पर बैठा कर ले जा रहे थे, और जो है एक जैसा कि लोगों ने बताया कि एक ट्रक खड़ा था पहले से ही घंटा भर पहले से, वो अचानक एकदम भीड़ पर हमला करने आया, उसने जो है टक्कर मार दी लोगों के, जो है चोट लगी, और वो चाहता था कि मंत्री जी की तरफ को ले जा रहा था कि मंत्री जी को मैं ऐसा लगता है कि जैसे जान माल का हमला खतरा पहुंचाना चाहता था वो जाने का, और वो ट्रक अनियंत्रित होकर उसमें टकरा गया खंभे में, 11,000 की लाइन का खंभा था उसमें टकरा गया, और उसने पीछे फिर गियर लगा कर फिर वो जो है दोबारा जो है एक्सीडेंट करना चाहता था। और सुनील सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, बीएसपी प्रत्याशी तो बाल बाल बच गए, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कल अकीलुर रहमान जो कि बसपा प्रत्याशी हैं, बसपा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ये कल अपने इसमें असमोली विधानसभा इलाके में पैदल ही जनसंपर्क कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। इनका कहना है कि अचानक ही एक ट्रक पीछे से आया जो कि काफी देर से साइड से खड़ा था, और उसने आकर के इनके काफिले के ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये दूर काफी जाकर के ट्रक के धक्के गिर पड़े, लेकिन इनके 4-5 जो समर्थक थे वो जो थे गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका कहना है इनके ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत हमला किया गया है ताकि वो चुनाव से दूर हो जाएं। चलिए शुक्रिया आपका सुनील इस जानकारी के लिए।